नमस्कार, मैं रश्मि। आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय टीवी चैनल प्रजातंत्र टीवी। राजगढ़ के माचलपुर में ब्लॉक कांग्रेस के तत्वधान में रखे गए किसान एवं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर धरना आंदोलन के दौरान पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रव्रत सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम भी राजनीति करते हैं, हमने कभी किसी का घर नहीं तोड़ा एवं बगैर छल कपट के सेवा संस्कार की राजनीति की है, क्योंकि ये संस्कार हमें हमारे माता पिता ने सिखाए हैं। वहीं शासन प्रशासन के द्वारा किसानों की बिजली व लिम्बोदा गांव के चार किसानों के मकान अतिक्रमण के नाम पर सत्ता पक्ष द्वारा तुड़वाए गए हैं। क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर द्वेषतापूर्ण व ज्यादती को लेकर आज हमने तहसील टप्पा कार्यालय के सामने धरना व सभा कर महामहिम राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार नवीन चंद्र कुमकर को ज्ञापन सौंपा है। क्षेत्र की बिजली की समस्या, ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाना, आगरिया गांव में जैसे हमारे 3 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, अभी तक नहीं बदले गए। इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं पूरे क्षेत्र में आ रही हैं वो, और दूसरा जो मुख्य मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में यहाँ का पुलिस और प्रशासन काम कर रहे हैं। लिम्बोदा गांव में 40 मकान ग्राम आबादी से बाहर बने हुए हैं, पर मात्र एक परिवार को टारगेट किया जा रहा है। करण सिंह, लाल सिंह, रामबाबू और राय सिंह के मकानों को टारगेट किया जा रहा है, बाकी सबको, किसी को भी वहाँ पर कोई कुछ नहीं कहा जा रहा है, ना किसी को नोटिस दिया गया। तो अतिक्रमण की कार्रवाई ऐसी नहीं हो सकती कि एक को नोटिस दो और देख देख के अंधा बांटे रेवड़ी और पूछ पूछ के दे, ऐसा काम नहीं चल सकता। और यह प्रशासन पूर्ण रूप से भाजपा के दबाव में ऐसा काम कर रहा है। अभी भोजपुर थाने ने एक 12 साल पुरानी FIR दर्ज करी, जो अपराध बताते हैं 12 साल पहले हुआ, और 12 साल बाद उसमें FIR दर्ज की जा रही है। तो इस प्रकार से भाजपा के दबाव में आके प्रशासन काम कर रहा है। रामगढ़ में गुर्जर समाज के पूजनीय देवनारायण जी भगवान के चबूतरे और मंदिर के पास में एक गिट्टी मशीन स्थापित की गई है, जिसमें पूरी परमिशनें भी अभी तक नहीं हुई हैं, पर गिट्टी मशीन वहाँ पे चालू कर दी गई है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में प्रशासन आकर कार्य कर रहा है, और उसके खिलाफ आज हमने आवाज़ उठाई।